सनातन धर्म रामा मंदिर जालंधर छावनी की ओर से 24 फरवरी से 3 मार्च तक मंदिर प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसके दूसरे दिन बड़ी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर कथा का श्रवण कर अपना जीवन धन्य किया। इस दौरान कथावाचकों ने प्रभु लीलाओं का सुंदर व्याख्यान कर भक्तों को भाव विभोर किया और ईश्वर भक्ति के मार्ग पर प्रशस्त रहने के लिए अग्रसर किया। इस दौरान प्रतीक गुप्ता परिवार की ओर से आरती की गई। इस अवसर पर चेयरमैन हरविंदर सिंह पप्पू, प्रधान कमल चौहान, पंडित राजेंद्र राजू, प्रभु दयाल, लक्ष्य शर्मा, रविकांत शर्मा, मीनाक्षी शर्मा, अनु शर्मा, गीतांजलि, आशा, सीमा, सरोज रानी सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर कैंट से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। बहुत आनंद साडे प्रभु जी ने जो विचार दसे है भोलेनाथ जी ने छाती ने बहुत ज़्यादा साडे पेंट वाले भोलेनाथ जी ने और पार्वती जी माता जी ने दर्शन कराए हैं। असी इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो कि अज की जो आरती सी प्रतीक छोटा भरा साडा उन्हां वालों सी और कल की जो आरती होगी वो असी इन्हों दसिया करा इन्हों का बहुत बहुत अभी धन्यवाद करते हैं। और सारे का इतने गेट से फिर तो एक ही बेनती करते कल तो ज़्यादा आके कथा का आनंद लिया। सनातन धर्म रामा मंदिर में आज दूसरा दिन सप्ताह का चल रहा है, जो कि बहुत लाभदायक सहायक कथा होती है। इसको सुनना सुनाना बहुत अच्छा होता है, सुनाने का भी मन होना चाहिए तो सुनने का भी मन होना चाहिए। कथा का मजा तो तभी आता है। आज की आपकी माँ छोड़ा भाई बच्चा ही है वहाँ तो प्रतीक जी इनकी फैमिली की तरफ से आरती कराई गई है। कल की आरती हमारे यजमान आएंगे शाम को, उनको भी बता देंगे। हम सनातन धर्म रामा मंदिर और हम अपने जो आए हैं महाराज इनका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं जिन्होंने आके यहाँ भागवत सत्ता कराया। ये कथा जो हो रही है ये मंदिर की तरफ से ही हो रही है। श्री सनातन धर्म रामा मंदिर सभी इसके साथ जुड़े हुए हैं। हम मंदिर के साथ जुड़े हैं, मंदिर हमारे साथ नहीं जुड़ा हुआ है, हम मंदिर के साथ। जो भी कथा जो फंक्शन भी होता है हम रामा मंदिर के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर कैंट में अपना आगमन किया है और अपनी मधुर वाणी से सुंदर भागवत कथा का दर्शन करा रहे हैं और भागवत कथा के साथ में राम कथा का भी आनंद हमें मिल रहा है। और आज की कथा में जो श्रीमद् भागवत कथा आज दूसरे दिन में हुई है उसमें भगवान भोलेनाथ जी का विवाह का उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ में श्रवण कराया है।